In this question, we want to prove the determinant value of nc1, 1, 1, 1, nc1, n plus 1, c1, n plus 2, c2, n plus 1, c2, n plus 2, c2, and n plus 3, c2 is equal to 1. So, let's say हम कैसे इसे prove करेंगे. तो, determinant क्या है हमारा? This is 1, and this is 1. Values क्या है यहाँ पे? First है nc1, second is n plus 1, c1, and third is n plus 2, c1. उसके बाद और क्या क्या वैल्यू है. दिस इज एन प्लस वन सी टू, फिर क्या जाएगा एन प्लस टू सी टू प्लस एन प्लस थ्री सी टू. अब अगर मैं डिटर्मिनेंट ओपन कर दूंगा तो डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद वैल्यू क्या आएगी. लेट्स सी, सबसे पहले वन के लिए ओपन करूंगा तो वन के लिए ओपन करूंगा इस वाले के लिए तो क्या आएगा वैल्यू आ जाएगी एन प्लस वन सी वन इन टू एन प्लस थ्री सी टू. माइनस में क्या जाएगा, माइनस में आएगा एन प्लस टू सी टू इंटू एन प्लस टू सी वन. तो आएगा एन प्लस टू सी टू इंटू एन प्लस टू सी वन. फिर क्या आएगा इस वाले वन के लिए करूंगा तो माइनस ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा और वैल्यू क्या जाएगी एन सी वन इंटू एन प्लस थ्री सी टू. तो आएगा एन सी वन इंटू एन प्लस थ्री सी टू और वैल्यू क्या जाएगी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा एन प्लस वन सी टू इंटू एन प्लस टू सी टू. तो आएगा माइनस एन प्लस वन सी टू इंटू एन प्लस टू सी वन. और उसके बाद क्या होगा, ये हमने सेकेंड वाली टर्म के लिए लिखा था. थर्ड वाली टर्म के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा प्लस, इसके लिए करूंगा तो एन सी वन एन प्लस टू सी टू. तो आएगा एन सी वन एन प्लस टू सी टू और फिर क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एन प्लस वन सी टू इंटू एन प्लस वन सी वन. तो आएगा माइनस एन प्लस वन सी टू इंटू एन प्लस वन सी वन. इसको लेट्स सी मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ. तो एक बार सारी टर्म्स को मैं ओपन कर लेता हूँ. ओपन क्या मानेगा, मीन मीन्स एक्चुअल साइन के साथ में लिख लेता हूँ. तो पहली टर्म तो क्या है प्लस है तो एन प्लस वन सी वन इंटू एन प्लस थ्री सी टू. माइनस सेकेंड टर्म क्या जाएगी एन प्लस टू सी टू इंटू एन प्लस टू सी वन. माइनस एन सी वन इंटू एन प्लस थ्री सी टू. प्लस में क्या जाएगा एन प्लस वन सी टू इंटू एन प्लस टू सी वन. फिर क्या प्लस एन सी वन इंटू एन प्लस टू सी टू. माइनस एन प्लस वन सी टू इंटू एन प्लस वन सी वन इज इक्वल टू जीरो. अब एक प्रॉपर्टी होती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, उसमें कहता है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन किसके इक्वल होता है, एन प्लस वन सी आर के. तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ बोलूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो हमारा n प्लस थ्री सी टू है, n प्लस थ्री सी टू है ना, इसे मैं क्या लिखने वाला हूँ, सी n प्लस थ्री सी टू को मैं लिख दूंगा इट इज इक्वल टू n प्लस टू सी टू प्लस n प्लस टू सी वन. तो n प्लस थ्री सी टू को मैं लिखने वाला हूँ n प्लस थ्री सी टू प्लस n प्लस थ्री सी वन. तो जैसे ही मैं इसे पुट करूंगा तो पहली टर्म तो क्या है हमारी, उसमें क्या है सी थ्री है ही नहीं है ना, तो ये तो ऐसी रहेगी एन प्लस वन सी वन आएगा एन प्लस थ्री सी टू. माइनस नेक्स्ट टर्म क्या जाएगी एन प्लस टू सी टू इंटू एन प्लस टू सी वन. माइनस अब ये यहाँ क्या लिखा हुआ है एन प्लस थ्री सी टू, तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा एन प्लस टू सी टू प्लस एन प्लस टू सी वन. तो एक बार तो क्या जाएगा एन सी वन इंटू एन प्लस टू सी टू और दूसरी टाइम में क्या आएगा माइनस में आएगा एन सी वन इंटू एन प्लस टू सी वन. ठीक है, अब सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या जाएगी, नेक्स्ट टर्म है एन प्लस वन सी टू इंटू एन प्लस टू सी टू. फिर क्या आएगा प्लस में, यहाँ लिखा हुआ है एन सी वन इंटू एन प्लस टू सी टू. फिर आएगा माइनस ऑफ एन प्लस वन सी टू इंटू एन प्लस वन सी वन. नाउ अब दो टर्म तो यहाँ से कट गई, जैसे एन सी वन एन प्लस टू सी टू ये वाली टर्म और एन प्लस वन एन प्लस टू सी टू ये वाली टर्म, ये दोनों आपस में कट गई. अब एक और चीज़ है, हमें यहाँ पर भी लिख सकते थे एन प्लस थ्री सी टू को, यहाँ पर हमने लिखा नहीं. तो अगर मैं यहाँ पर भी लिखूंगा तो क्या जाएगा, ये जाएगा एन प्लस वन सी वन, अगेन एन प्लस थ्री सी टू है तो ये क्या जाएगा एन प्लस टू सी टू एक बार पहले, फिर क्या जाएगा प्लस एन प्लस वन सी वन और की बार क्या जाएगा एन प्लस टू सी वन हो जाएगा. माइनस में क्या जाएगा
माइनस में आ जाएगा एन प्लस टू सी टू इंटू एन प्लस टू सी वन, है ना। फिर क्या होगा, ये पहली दो टर्म्स तो हमारी क्या हो गई, अब मैंने हो गई है सॉल्व। अब उसके बाद में यहाँ क्या है हमारे पास में, माइनस ऑफ एन सी वन इंटू एन प्लस टू सी वन प्लस एन प्लस वन सी टू इंटू क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, एन प्लस टू सी टू लिखा हुआ है, ओ ये एन प्लस टू सी वन लिखा हुआ है, थोड़ा सा सही से लिखा हुआ नहीं, दिस इज एन प्लस टू सी वन। ओके, तो ये एन प्लस वन सी टू आ जाएगा इंटू एन प्लस टू सी वन। फिर क्या ये तो कैंसिल आउट हो गई, अब वैल्यू क्या बची हमारे पास में, एन प्लस वन सी टू इंटू एन प्लस वन सी वन। ओ ये क्या लिखा हुआ था, माइनस एन प्लस वन सी टू था, ये मैंने लिखा नहीं। नाउ सिंपली अगर आप क्या बोलते हैं, मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो एन प्लस वन सी वन क्या होता है, इट इज एन प्लस वन, एन प्लस टू क्या होता है, इट इज एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन बाय टू, तो इंटू एन प्लस वन बाय टू। फिर आएगा प्लस एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, जाएगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। सिमिलरली क्या लिखा हुआ है, एन प्लस टू सी टू माइनस एन प्लस टू सी वन, तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन, और ये जगह एन प्लस टू स्क्वायर बाय टू, माइनस एन सी वन इज माइनस एन, और एन प्लस टू सी वन इज एन प्लस टू। फिर क्या जाएगा, प्लस एन प्लस वन इंटू एन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और माइनस में क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा एन प्लस वन स्क्वायर इंटू एन। अब पेयरिंग कराते हैं किसकी, फर्स्ट की और लास्ट की। जैसे मैं पेयरिंग कराऊंगा यहाँ से क्या हो जाएगा, एन प्लस वन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एन प्लस वन स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एन प्लस टू बाय टू माइनस एन। सिमिलरली आपकी बार मैं और किसकी पेयरिंग कराने वाला हूँ, मैं करूँगा पेयरिंग, हमने क्या करा, एन प्लस वन स्क्वायर वाली टर्म ले ली, अब मैं ले रहा हूँ एन प्लस वन एन प्लस टू, यहाँ से कॉमन आएगा और एक इसमें से एन प्लस वन एन प्लस टू कॉमन आएगा, है ना। या फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों से एन प्लस वन एन प्लस टू कॉमन ले लेता हूँ, तो जैसे मैंने कॉमन लिया एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, तो इक्वेशन क्या जाएगी, हो जाएगी वन माइनस एन प्लस टू बाय टू, तो जाएगा वन माइनस एन प्लस टू बाय टू, ठीक है। और सिमिलरली अब बची क्या है, लास्ट की दो टर्म, तो इनमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, इनमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ प्लस ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, एन प्लस वन माइनस वन बचा, ठीक है। अब जैसे इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा, एन प्लस टू माइनस टू एन करूंगा तो हो जाएगा टू माइनस एन, तो ये लिखा हुआ है एन प्लस वन का स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ एन बाई टू, सॉरी टू माइनस एन बाई टू, तो हो जाएगा टू माइनस एन बाई टू। फिर क्या लिखा हुआ है, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और क्या लिखा हुआ है, टू माइनस एन माइनस टू, तो ये लिखा हुआ है एन अपॉन टू, क्या हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू एन प्लस इंटू माइनस ऑफ एन बाई टू, माइनस ऑफ एन बाई टू प्लस एन प्लस वन माइनस वन इज एन, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस टू। अब अगर मैं देखूँ तो मुझे एन क्यूब यहाँ पे कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो जैसे मैं एन क्यूब देखूंगा तो एन क्यूब मुझे एक तो यहाँ से मिलेगा जब मैं इस एन स्क्वायर को माइनस एन से मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे क्या है, वन बाय टू, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन बाय टू। सिमिलरली एन क्यूब मुझे यहाँ से मिलेगा, लेकिन यहाँ भी क्या है, पावर माइनस वन बाय टू, मतलब कोएफिशिएंट है माइनस वन बाय टू, और एक एन क्यूब मिलेगा यहाँ से, तो जाएगा प्लस वन, तो एन क्यूब का कोएफिशिएंट तो हो गया जीरो। ऐसे ही जब मैं एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट करूंगा तब भी वो मिलेगा जीरो, और एन का भी मिलेगा मुझे जीरो। अब मैं कांस्टेंट देखूं तो कांस्टेंट कैसा आएगा, तो सी वन का स्क्वायर वन, और फिर टू बाय टू, तो यहां से मिलेगा क्या, प्लस ये जाएगा टू बाय टू। सी यहां से मुझे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि हर टर्म में क्या है, लास्ट वाली टर्म क्या है, ओनली एन वाली है, तो कांस्टेंट टर्म मिलेगा ही नहीं इसमें से, और सिमिलरली इसमें भी एन स्क्वायर वाली टर्म है, तो हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा ही नहीं यहाँ से। तो एन क्यूब का कोएफिशिएंट जीरो है, एन स्क्वायर का जीरो है, एन का जीरो है, ओनली मुझे जो टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, इक्वल टू वन। और यही मुझे प्रूफ करना था कि जो वैल्यू है किस इक्वल है, इट इज इक्वल टू वन। सो दिस इज नाउ प्रूव्ड, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज नाउ प्रूव्ड।